होशंगाबाद जिले के पिपरिया विकासखंड में अपनी नियमितीकरण की मांग को लेकर अतिथि विद्वानों द्वारा भोपाल के लिए पदयात्रा शुरू की गई। अतिथि विद्वान प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के गृह जिले में एकत्रित होकर नियमित किए जाने के लिए एक बड़ा प्लान तैयार कर रहे थे, जिसे छिंदवाड़ा जिले की पुलिस ने विफल करते हुए इन अतिथि शिक्षकों को बस में बिठाकर छिंदवाड़ा जिले की सीमा से होशंगाबाद जिले की सीमा में छोड़ दिया। यहीं से इन शिक्षकों ने अपने आंदोलन की रणनीति तैयार कर भोपाल के लिए रवानगी ली। अतिथि शिक्षकों ने बताया कि प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने चुनाव के पहले हम अतिथि विद्वानों से वादा किया था कि कांग्रेस की सरकार बनते ही अतिथि विद्वानों को नियमित किया जाएगा, लेकिन सरकार बनने के एक साल होने के बावजूद भी अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण की मांग पर सरकार ने संज्ञान नहीं लिया है कि पहले हमारा नियमितीकरण किया जाए और उसके बाद पीएससी वालों की नियुक्ति दी जाए। उनकी नियुक्ति जो खाली स्थान है उसमें दे सकते हैं, न कि हमारे स्थान पर दे सकते। अतिथि विद्वान के स्थान भरा ये माने जाए और हमारा नियमितीकरण जल्द से जल्द किया जाए। कमलनाथ जी ने हमें चुनाव के पूर्व हमें आश्वासन दिया था हमारी कांग्रेस की सरकार आती है और मैं मुख्यमंत्री बनता है तो पहले हमारा एक ही काम होगा कि हम हॉस्टल के अनुसार अतिथि दलों को नियुक्तिकरण देंगे। और उन्होंने अपने वचन पत्र में इसको 17.2% सम्मिलित भी किया। होशंगाबाद से EMS TV के लिए कमलेश गौर की रिपोर्ट।